एमबीआई के आगे उन्हें एक मुतासरी में से मुतासर हैं जो जैसे कि एमबीआई का जो है रवैया रहा दीगर लोगों के साथ जी, के काम करा लेना और पैसे ना देना, धोखा दे करना, फ्रॉड करना, गलत बयानियाँ करना, झूठ बोलना जी। तो आपका जो मुआहदा हुआ है 5 मई 2018 और 6 जून को 5 मई को आपकी बातचीत हुई और 25 मई से आपका बकायदा इस पर अमल दरामद शुरू हुआ उस मुआहदे के तहत जी। और 6 जून को आप जो है ये सिलसिला चलता रहा, काम चला जी। तो नाज़रीन को ये बताएं कि एमबीआई से आपका मुआहदा हुआ क्या था और किस बुनियाद पे मुआहदा हुआ था और इसमें कितने पैसों का लेन देन था जी। इसमें अयाज साहब से मेरी फर्स्ट मीटिंग हुई थी 2018 में और हम बेसिकली काम करते हैं केमिकल का काम करते हैं, पॉक्सी फ्लोर कोटिंग कहलाता है। और फ्लोर जो है वो इनके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हमने इसका फ्लोर कोटिंग का काम स्टार्ट करना था। इन्होंने मुझे एक अप्रूवल दी, कुछ मैंने इनको सजेशंस दी थी उसमें से मुझे अप्रूव करके उन्होंने एक रेट दिए थे जिसकी कॉस्ट बनी थी 6 लाख रुपये, 6,09,000 रुपये कॉपी वो उन्होंने अप्रूव की है जी। ये उनकी अप्रूवल है ठीक है, ठीक है। और इस अप्रूवल के बाद उन्होंने ऑप्शन दिए उसमें उन्होंने इसके बाद कहा था कि आप उसमें जो है वो काम स्टार्ट कर लें ठीक है। तो हमने जो है वो अपने लेबर लगाने के बाद जो है वो हमने काम चलता रहा। बीच में जो है वो हमने इससे इसमें तरीके का ये होता है कि हम एडवांस मांगते हैं, 50% एडवांस चाहिए होता है लेबर हैंडलिंग के लिए, मटेरियल के लिए। क्या इन्होंने आपको 50% दिया? नहीं सर, इन्होंने 50% नहीं दिया, इन्होंने मुझे 30% का कहा कि हम 30% पेमेंट देंगे जिसकी वैल्यू बन रही थी 1,82,700 रुपये। उसके अंदर मुझे चेक दिया, चेक जो है वो विद इन 2-3 डेज जो है वो जो बैंकिंग का RCMS दौरान जो है वो कैंसिल हो गया, चेक रिटर्न हो गया। और चेक रिटर्न होने के बाद जी ये चेक की ये कॉपी है ठीक है, ये जो है वो चेक इन्होंने मुझे दिया था, इसकी डेट भी आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है ये चेक जो है वो प्रेजेंट होने के बाद ये रिटर्न हो गया ठीक है। और ये इनसफिशिएंट फंड के तौर पर इसकी जाना बैंक की स्लिप भी मौजूद है। अच्छा, इस पर आपका लाजमी बात है, आपको नागवारी गुजरी होगी, थोड़ी परेशानी भी आई होगी, गुस्सा भी आया होगा, तो दिगर जो आपकी गुफ्तगुशनीद हुई कुछ बहस मुबासे के बाद ये जो चेक जो बाउंस हुआ कितने दिन के बाद दोबारा कैश हुआ? ये इसमें तकरीबन 1 हफ्ता लग गया था, 1 हफ्ते तक फिर हम चीज़ें मैनेज नहीं, ये एक आपको जो इन्होंने पैसे देने थे 1,82,700 जी, जो चेक बाउंस हुआ, बाउंस होने के बाद क्या ये पैसे आपको आसानी से मिले या नहीं? नहीं, मुझे रिमाइंड कराना पड़ा बार बार, मैं ऑफिस में गया हूँ फिर उनसे जाके मैं फोन पे कॉन्टेक्ट किया, ऑफिस में पर्सनली जाके कहा कि सही चेक रिटर्न हो गया, मुझे कैश मिले। तो फिर उन्होंने अकाउंट से कहीं से मालूम करके कि आप जो है ना वो कहाँ से पेमेंट को अरेंज करके दे सकते हैं, उन्होंने रीअरेंज किया और चेक को रिप्रेजेंट किया 6 जून को, ये इसकी स्लिप है बैंक की, ये फिर मैंने किया तो फिर ये क्रेडिट मेरे पास हुआ और ये आप देख सकते हैं इसमें। नासिर साहब 8 तारीख 25 तारीख को 25 मई को बकायदा आपका काम शुरू हुआ जी सर, 5 तारीख को आपकी इनसे फर्स्ट जो बातचीत हुई जी, मुआहदे के तहत जो काम शुरू होना था जी। और जिस तरह से आपने ये जो डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं इन तारीखों के हिसाब से यानी 6 से 7 दिन के बाद आपको चेक मिला जी, 1,82,000 का शुरू में वो बाउंस हो गया, फिर आपकी कुछ बहस मुबासे के बाद शोर शराबा किया होगा, बहस मुबासा के उसके बाद आपको जो है वो चेक आपका क्लियर हुआ। अच्छा, इसमें 6 लाख रुपये का आपका जो इनके साथ लेन देन था जो ठेका था जी, उसमें जो एक जिक्र आ रहा है 2 लाख रुपये का, वो आपको कब मिले? वो देखिए बीच में जो है वो काम हम करते रहे, रमज़ान के दिन थे और वर्किंग आवर्स बहुत वो थे, तो इन्होंने जो है वो कहा कि हम पेमेंट आपको आफ्टर ईद करेंगे। मैंने काम नहीं रोका, काम ये इनके लोग गवाह हैं कि ईद की छुट्टियों में ईद सेकेंड डे थर्ड डे को हमने अप्रोच किया और काम को स्टार्ट करते हुए हमने 2018 की बात करा और जो हमारे पास पीरियड था जिस दौरान हमने काम कर इनको कम्प्लीट करके देना था, तो जब हमने काम कंप्लीट कर लिया मोर देन 50% या 60% आखिरी स्टेप जो रह गए थे, तो उसके बाद हमने फिर इनसे मजीद पेमेंट की डिमांड की क्योंकि हमें मटेरियल बाय करना था कैश पर, हम ये मटेरियल जो लेंगे इम्पोर्टेड मटेरियल है, यकीन आपने तो कैश रेडी आने की मतलब हर चीज़ आपको पता है कि मार्केट में कैश भी दी जाती है और लेबर की हैंडलिंग इनके तमाम डेली एक्सपेंसेस जो होते हैं साइट पे कैश भी होते हैं, इनको बताया भी था मेरे पास लेटर मौजूद है। आपकी गुफ्तगू से मैं जब आपने काम शुरू किया तो ये कंपनी तो वैसे ही लोगों के जो तासुरात हैं, लोगों की जो
सुनने में आता है कि फ्रॉड करती है, झूठ बोलती है, तो क्या किसी ने आपको इशारा नहीं किया कि आप यहाँ क्यों काम कर रहे हैं, रुक जाएं भाई, आप अपना वक्त भी ज़ाया करेंगे, फिर पैसों के लिए आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी, पैसे नहीं मिलेंगे, तो क्या आसपास के लोगों ने आपको तंबीह नहीं की ना करें यहाँ ना काम? जी सर, उस दौरान ऐसा हुआ कि इनके अपने जो पुराने लोग काम करने वाले हैं, जो मैनेजमेंट को जानते हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पर आप काम करने के लिए गलत आ गए हैं, आपका सिलेक्शन गलत है, आप यहाँ से छोड़ दें काम और कोई और काम किसी और साइड पे चले जाएँ, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट आपको नहीं मिल जाती, ये लोग आपको बहुत तंग करेंगे। मैं अल्लाह तवक्कल, मैंने कहा कि मुझे काम तो करना है, रह रहे, लेकिन ये एक बंदे ने नहीं कहा, तीन चार लोगों ने, वो वहाँ पुराने लोग काम करें, उनकी तासरात ये थी। मैंने कहा ये हो सकता है कुछ जेलसी के तहत या किसी अंदरूनी हो गया मालिक के साथ हुआ नाराजगी, तो उस वजह से कह रहे होंगे। मैंने कहा नहीं धर इस बात पे, और बात ये आप यकीन करेंगे, कल हमारे कुछ लोगों से MBI के जो एम्प्लॉई हैं उनसे हमारी बात हुई, जो लोग काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, जो उनसे किसी वजह से काम छोड़ के जा चुके हैं जी, वो अपनी जो CV जो दिगर कंपनी में सबमिट करवा रहे हैं, वो MBI का नाम का वहाँ उसमें मेंशन करना जो है वो तुहीन समझ रहे हैं, डरे हुए हैं कि यार अगर हमने MBA का नाम लिख दिया तो MBA इतनी बदनाम हो चुकी है, तो MBA के मालकान को अपनी बदनामी से कोई खौफ नहीं है? सर मैं आपको बताऊं कि इस सिलसिले में मैंने उनको बहुत बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, मैं पर्सनली उनके गेट पे जाके रिक्वेस्ट करता रहा, मगर जैसे एक उनकी बदमाशी नज़र आती है कि उनकी तरफ से रवैया इस तरह का था कि जी पैसे देने नहीं हैं, और किसी तरह से वो जो है ना इस चीज़ पे राज़ी नहीं है। फिर मैंने इनको जो तरीक़ेकार शराफत का होता है कि मैंने उनको ईमेलिंग शुरू कर दी, बार बार उनको ईमेल किए, व्हाट्सअप किए, इनके नंबर्स खुरम साहब जो इनके GM हैं उनसे रब्ता करने की कोशिश की, और इनके डायरेक्टर से भी जो है वो डायरेक्ट थ्रू इनके ईमेल भी करता रहा हूँ, व्हाट्सएप करता रहा हूँ कि शायद कहीं इनको ख्याल आ जाए कि मैं किसी की पेमेंट जो है वो लूँगा तो दबाऊँगा या उसके लिए परेशानी के बायस बनेगा। मैं आप यकीन करें कि कोरोना के दौरान मैं अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं दिखाता हूँ कि एक दरख्वास्त लंबी चौड़ी की मौजूद है, इस पर मैंने तमाम हालात भी इनको बयान किए कि मैं वो परेशान हूँ, और मैं लेबर मुझे सर आप यकीन करें कि उनका वे ऑफ टॉकिंग बहुत बुरे तरीके से, वो आपको पता है बिहेव करते हैं, मिसबिहेव कर रहे होते हैं, बात जिस तरीके से करते हैं वो गाली गलौज भी करते हैं, इस तरह की बात करते हैं कि आदमी को बर्दाश्त मालकान करते हैं। नहीं सर, मैं आपके मुस्लिम लेबर की बात, आपके मजदूर हाँ नासर खान जब उनको पैसे नहीं देगा तो लाजमी बात है घरों में मिसबिहेव किया। मैंने इनको व्हाट्सएप भी करके कहा कि सर आप देखें मेरी इज्जत का तो आपने जनाजा निकाल दिया, मैं किसी को मतलब काम करने के आगे पोजिशन नहीं रहा, ये लेबर मेरे साथ जिनके साथ मुझे साल हर साल होते हो गए काम करते हुए, कभी मैंने इनके पैसे नहीं रोके। इसी तरह जहाँ से मैं मटेरियल लेता हूँ, आप यकीन करें मेरे क्रेडिबिलिटी की वजह से उन्होंने मुझे लाखों का मटेरियल दे दिया। अब आपको मैं साथ वो तो आपकी ईमानदारी है ना, MBA तो ये ईमानदारी, MBA ने तो अपनी ईमानदारी ही बेच दी है। सर मुझे नहीं अंदाजा था कि इससे काम करने के लिए मेरे कितना। नासर साहब ये बताएं कि 2018 जी 5 मई से बातचीत हुई, गुफ्तगुशनीद हुई, 25 मई से बाकायदा इस मुआहदे पे अमल हुआ, आपने काम शुरू किया, वक्त गुजरता रहा, व्हाट्सएप, ईमेल, डिगर्स जो तरीकेकार हैं उनसे आप याद दहानी कराते रहे। अब आपका क्लेम क्या है, आपके कितने बकायाजात हैं जो आपने MBI से लेने हैं, MBI आपके वाजिबात अदा नहीं कर रहा? देखिए सर, एज पर एग्रीमेंट जो है वो जो पेमेंट उन्होंने दे दी है वो सब माइनस करने के बाद 2,26,000 रुपये अमाउंट ऐसा था जो जिसके लिए मैंने ईमेल उनको की, लास्ट टाइम भी ईमेल मैंने कुछ 2,26,000 यानी कि 6,00,000 टोटल, 1,82,700 आपको पहले चेक जो बाउंस हुआ, फिर कैश बीच में चेक उन्होंने और दिया जब परेशानी हुई ईद के बाद, उन्होंने वादा किया 2,00,000, मैंने 4,00,000 मांगे तो उन्होंने 2,00,000 कर दिया। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, काम तो रोकना नहीं चाहिए। जब मैं काम कंप्लीट कर चुका तो उसके बाद मुझे नहीं अंदाजा था कि ये सूरत हाल होगी कि उन्होंने मुझे बाकी पैसे नहीं देने, वरना तो मैं फिर फाइनल कोर्ट ही नहीं करता। अभी सर और सेटबैक ये हुआ मेरे साथ कि मेरे कुछ वहाँ मटेरियल जो है ना वो रह गया था, हम काम कंप्लीट करते हैं, हम एक्सेस में मटेरियल लेके जाते हैं उनके वहाँ के सामने जहाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ मौजूद है और कुछ गेट के साथ माल मौजूद था जिसकी लाखों रुपये वैल्यू बनती है, वो मैंने वहाँ पर दम किया हुआ था कि मैं जब हम यहाँ से जाएंगे तो 2-4 दिन में उठा लेंगे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली जब मैं गया हूँ तो मुझे वहाँ से चौकीदार ने बताया कि GM साहब कह रहे हैं कि आप एक तो मिलने से इनकार कर दिया, उससे कहा कि इनको बोले कि यहाँ मटेरियल नहीं, हमने सामने खाली प्लॉट में भेज दिया है, वो हमारे पास सब कोई मटेरियल नहीं है।
तो अब मैं क्या हो, मिला वो जाए? नहीं सर, वो बिल्कुल नहीं मिला, वो इन्होंने कहीं वेस्ट कर दिया या खुदा जाने क्या किया। चौकीदार ने कहा यहाँ पे आपका कोई चीज नहीं है, मैं यहाँ से सफाई करके सब फेंक दिया, उठा के फेंक दिया खाली ड्रम। जहाँ पे मटेरियल रखा है आपकी कुछ याददाश्त में है कि सीसीटीवी कैमरे हैं सर उस कंपनी के? सीसीटीवी कैमरास का सिस्टम मुझे याद नहीं। तारीख याद है आपको? जी मेरे पास दिनों में आपने वो मटेरियल जी मैं डायरी बकायदे मेंटेन करता हूँ, मेरे पास एक ही चीज़ ज्यादा वो लिखी हुई है। और हाँ, तो सर मैं आपको बता रहा था कि 2,26,000 तो ये अमाउंट है जो मेरी बिल के पैसे, लेकिन अब वो मटेरियल जो उन्होंने मेरे लाखों का नुकसान कर दिया वो उसका कौन भरपाई करेगा? मेरे लिए तो ये भी बड़ा दबाव हो गया। तो वो टोटल अमाउंट क्या बन गया उस समझे का? 1,80,000 रुपये तो मटेरियल था, ठीक है ठीक है, और बाकी ये अमाउंट है 2,26,000 हो गया। दो और मतलब वही 4,00,000 टोटल समझिए मैं नुकसान में आ गया। 4,00,000 आखिरी वो कौन सी तारीखें हैं जिसमें आखिरी जो आपने इनको याद दहानी कराई कि भाई मेरे आपके पास 2,26,000 बकाया, मेहरबानी करके इंसानियत के नाते वो वापस कर दें, वो कौन सी आखिरी डेट है जो आपने जो बिल्कुल इनको लास्ट अभी मैंने ईमेल की है उसमें ये 3 दिसंबर की बात है 2020 में। देखिए इतने वक्त मैं ईमेल करता रहा हूँ, हर ईमेल का मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, ठीक है। रिकॉर्ड तो आपको पता है ईमेल का डेट और टाइम के साथ आता है, बिल्कुल ये मेरा जो है वो 3 तारीख को इनको मैंने किया है, या साहब भी इनको इनको भी टेंशन किया है, फोरम साहब को भी टेंशन पैसों का भी जी है शायद। और मैंने इसमें इनको ये भी कहा था कि आप अगर पेमेंट नहीं करते और ऑलरेडी एक एज पर टर्म्स एंड कंडीशन जो है ना ये अमाउंट से मैं ज़्यादा का आपसे हकदार हूँ मांगने का, लेकिन आप मेरी पेमेंट दोनों से रिलीज कर रहे हैं ना, आप मुझे दबा के बैठे हैं, इसका कोई रिप्लाई नहीं आया सर, किसी किस्म का कोई उनकी तरफ से जाना वो नहीं आता। माल काम के साथ आपका जो शुरू में जो मीटिंग होती रही है ये सर बज़ाहिर वो कैसे इंसान है MBI के इसमें देखें MBI मुबशर बशीर एजाज ये 3 नाम आ रहे हैं, इनमें क्या है कौन इस सारी चीज़ों को करने वाला? ये एक शख्स है, ये 3 नाम हैं, ये 3 अफराद हैं सर। MBI जो है वो बेसिकली आपने सही कहा है कि बशीर एजाज साहब के द्वारा, लेकिन जो एजाज साहब हैं इनके साथ मेरा कॉन्टैक्ट पास हुआ था और पहली मीटिंग, क्योंकि ये सब डायरेक्टली मैं हैसियत पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारी जितने भी 2, 4, 6 लोगों से जब भी बातचीत हुई है वो अयाज साहब का जिक्र आ रहा है। क्या वाकई में ही ये मुबशर बशीर एजाज कंपनी इनकी कोई अबाव अजदाद है उनके नामों पे चल रही है? तो ये अयाज साहब बदनाम कर रहे हैं अपने साहब ने इस फैक्ट्री को किया था, स्टार्ट किया था। और फैक्ट्री सर ऐसा नहीं कि काम ये लोग नहीं, काम इनका है, मार्केट में इनकी प्रोडक्ट्स भी नजर आती हैं, और लेकिन पेमेंट के मामले में क्योंकि मुझसे पहले भी एक और सेम जॉब एक कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने किया था, बर्जर पे मैं नाम ले देता हूँ कि उनके कॉन्ट्रैक्टर थे वो भी हमारे पुराने साथी थे, तो वो भी यहाँ से परेशान होकर निकले। बर्जर तो काफ़ी बड़ी फेमस और एक बड़ा ब्रांड है बर्जर का, उन्होंने इनके साथ काम किया, उनके कॉन्ट्रैक्टर उन्होंने इनके साथ इनको अहमियत दी सर। ऐसे किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि कौन किस तरह का बदनीत इंसान है या उसके दिल में क्या, वो तो काम करवाने के बाद भी पता चलता है कि ये पैसे नहीं दे रहे, तो हमारा मेरे साथ भी ऐसे हुआ, मैं भी उसी मुतासर हूँ। देखिए अयाज साहब के अलावा फोन दीगर जो लोग हैं जो देखें, अयाज साहब एक ऐसे बंदे हैं जो आपने भी कहा बात की, दीगर लोगों ने भी बात की, तो कंपनी के अंदर कोई ऐसा शख्स होगा जो ईमानदारी को मद्देनजर रखते हुए अयाज साहब को बावर कराए कि हमारी कंपनी बदनाम हो रही है, लेबर जो है लेबर लॉ है उसको हम उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं लेबर लॉ की, दीगर जो मामलाते हैं तो ये हमारे में बाहर निकलते हैं, हमारे जो लोग यहाँ से काम छोड़ के जाते हैं वो CV के अंदर MBI लिखना पसंद नहीं कर रहे, तो हम इस नेज पे जा रहे हैं तो बदनीति को इतनी तरजीह दे रहे हैं, हम अपने वकार और मैार को गरा रहे हैं, वकार को ख़राब कर रहे हैं, कोई आसपास के लोग उनको मशवरे नहीं देते या साहब को भाई आप ऐसा काम ना करें? मुझे तो कोई भी ऐसा बंदा नज़र नहीं आया कि जिसने जो है वो, क्योंकि उनके सामने तो मैंने देखा था कि कोई जाता ही नहीं किसी की मतलब मजाल ही नहीं। एक साहब को मैंने देखा बहुत एक्टिव थे खुर्रम साहब, हम जो है वो यहाँ पे अगर कभी खुर्रम साहब के साथ ऐसा हुआ तो सर मैंने उनके आप यकीन करेंगे कि मैंने जब मैसेजेस किए उनको व्हाट्सएप किए वो इसी तरह की बातें की कि आप अपने आप को किसी और जगह पर रख कर देखिए, तब आपको अंदाजा होगा कि अभी तो आपकी नौकरी लगी हुई है, आप जब इस नौकरी से फैक्ट्री से बाहर जाइएगा ना तो फिर आपको अंदाजा होगा कि लोग कितने परेशान होते हैं जब जिसके पैसे रोक लिए जाते हैं जो इस तरह की पोजीशन में जाए सिचुएशन में आ जाते हैं। अच्छा अयाज साहब से क्या कहना चाहेंगे
सर यार सबसे मैं यही कहूँगा कि आप जो है बरए मेहरबानी इस तरह के रवैया अख्तियार ना करें कि लोगों के दिल से बदवाएँ निकलें या आपके लिए जो है वो खुदा न खासा मुश्किलें खड़ी हों। मैंने अपनी ज़िंदगी में सर कई लोग ऐसे देखे हैं जो बहुत हाई पोस्ट पे जा चुके थे, बहुत बड़े नाम, जिस एक कंपनी का मैं जिक्र करता चलूँ अगर आप मुझे इजाज़त दें, टाइम बहुत मुख्तसर है, बक्सले पेंट्स लिमिटेड, मैंने 14 ईयर्स में जॉब किए, आप यकीन करेंगे उनके मालिकान का रवैया भी ऐसे ही एक बार मैंने देखा, तो सालों में जो है सर वो फैक्ट्री जो है वो ख़त्म हो गई, जवाबदेही हो गई और जो है उनके साथ ऐसा हो गया। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जिसकी मिसालें माशरे में मिलती हैं जो अपने आप को फिरौन समझते हैं, जो लोग जो है अपने लेबर के साथ, अपने मजदूरों के साथ या लोगों के साथ लेन देन के मामला ऐसे रखते हैं, वो लोग कभी ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकते। तो अय्याज़ साहब को मैसेज दें अपने वाजबात के लिए कि भाई अय्याज़ साहब आपसे एहसान करें, सर गुजारिश ही कर सकते हैं कि आप जो है वो मेरे जो वाजिब अदा रकम है ये भी और जो मेरे केमिकल्स का जो खराजात हो चुके हैं, जो मैं नुकसान बर्दाश्त कर चुका हूँ अब तक मेरे लिए वो हो चुका है, तो आप उसको बरए मेहरबानी इसको जो है वो रिलीज़ करवाएँ, हम आपके लिए जो है वो खैरख्वाही रहेंगे, आपकी दुआएँ आपके लिए करते रहेंगे, आपको बेहतर से बेहतर जो है इसका सिला मिलेगा इंशाल्लाह।